बुलेंगे का, बराबर। उसके बाद चालू किया था मैंने शेप्स। इसमें हम लोग देख रहे लाइन, लाइन कैसे ड्रॉ करते वो भी देखा था। चाहे तो लास्ट लेक्चर जो भी एब्सेंट है उनके लिए वापस लाइन स्टार्ट करते। देखो लाइन टूल लिया मैंने यहाँ से। अगर आप लाइन बनाते हो यहाँ पे ऑप्शन से कॉर्नर बेजियर, मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे लाइन चालू हो जाता है कमांड। आपको जहाँ पे क्लिक करना है मतलब, तो जैसा शेप रहेगा वही हिसाब से आप इसको मूव करोगे, ऐसा है ठीक है। अभी आप बोलोगे मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी थी, बराबर। इसको अभी बैक करने के लिए बैक स्पेस दबाना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट पे आया, ये पॉइंट पे आया, स्ट्रेट लाइन के लिए आपको दबाना है शिफ्ट। शिफ्ट दबाएंगे तो आपका ऑर्थो में काम चालू होएगा। शिफ्ट छोड़ दोगे नॉर्मल जो विदाउट ऑर्थो जैसा काम करते हैं वैसा, मेरे को जैसा शिफ्ट चाहिए मैं वही हिसाब से स्ट्रेट लाइन में मैंने बना दिया। लाइन कमांड हमेशा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट मैच होना चाहिए। अगर आप मैच नहीं करते हो तो आपका शेप जो बनाइए ये इनकम्प्लीट रहेगा। अभी मैंने इसको, मेरे को जब मैंने स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट मैच किया तभी मुझे पूछ रहा था कि क्लोज करूँ क्या करके। मैं अगर एस करता हूँ तो मेरा क्लोज हो जाएगा, मतलब ये शेप कंप्लीट होएगा। अगर नो करता हूँ तो वही कमांड मेरी चालू रहेगी ऐसे केस। अगर कभी कभी बीच में से आपका ड्रॉ करते वक्त आपने यहाँ पे ऐसा क्लिक करके राइट क्लिक कर दिया तो शेप ब्रेक होता है, ये कमांड ब्रेक हो जाएगी, मतलब खाली आपकी एक लाइन दिखेगी बस। मैं राइट क्लिक करूंगा तो देखो ब्रेक हो गया ये। अब ये शेप इनकम्प्लीट है, क्यों? स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट मैच नहीं हुआ है इसके वजह से। समझो मुझे कर्व लाइन बनानी थी, ये तो मैं स्ट्रेट स्ट्रेट में खेल रहा हूँ, मुझे कर्व लाइन चाहिए। तो आपको ये यहाँ पे कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे के ऐसे ही रखो, चेंज मत करो इसको, छेड़ो मत। क्या करने का, क्लिक, एक बार क्लिक है यहाँ पे उसको होल्ड करके रखना है, माउस ड्रैग करेंगे तो आपका शेप कर्व में चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन आपका जैसा शेप रहेगा वही हिसाब से मैं इसको स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट मैच, क्लोज स्प्लाइन, यस ठीक है, बराबर है, समझ में आया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जिगजैग बहुत दिखते हैं, ये क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ मेरे यहाँ पे सेगमेंट कम है, शेप मुड रहा है, कवर में घूम रहा है, वहां पे सेगमेंट ज्यादा होना जरूरी है। तो अभी क्या करेंगे इसके लिए, अपने को ये एक इंटरपोलेशन करके आपको दिखेगा, ये रहा इंटरपोलेशन में ये स्टेप्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ये खाली 6 है इसलिए देखो यहाँ पे भी कर ऐसा क्रुकेट क्रुकेट दिख रहा है। अगर मैं ये बढ़ाता तो देखो स्मूथ होते जाएगा। ओके अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को बार बार ये इंटरपोलेशन चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं शेप, अगर ये भी मेरा ये फाइनल शेप नहीं, मैं और चेंजेस करूंगा और ज्यादा कवर में इसको फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश करूंगा, तो आप क्या करो डायरेक्टली एडेप्टिव ऑन करो। एडेप्टिव क्या करेगा, मैक्स खुद के हिसाब से जैसे सेगमेंट की जरूरत रहेगी वही हिसाब से वो ऐड करते हैं। देखो कैसे, लाइन के अंदर वर्टेक्स नाम की चीज रहती है, सेगमेंट स्प्लाइन। वर्टेक्स क्या रहता है, जहां पे मैंने क्लिक किया तो मेरे को एक पॉइंट पॉइंट दिख रहे थे, ये पॉइंट्स मतलब होते हैं वर्टेक्स, बराबर। सेगमेंट क्या होता है, दो वर्टेक्स वाली बीच वाली लाइन मतलब सेगमेंट। ये दो बीच वाली लाइन ये ऐसी थी, ये वाली ये है, ये वाली ये है, ये वाली ये है, ठीक है। स्प्लाइन का मतलब होता है ओवरऑल शेप, पूरा जो शेप बना है ये स्प्लाइन बना है, राइट। मैं वर्टेक्स में जाऊंगा ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दो लाइन रह गया मेरे पास। यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना ये कॉर्नर पॉइंट है। देखो राइट क्लिक करेंगे तो अपने को दिखता है कॉर्नर, उसके बाद दिखता है बेजियर, उसके बाद दिखता है बेजियर कॉर्नर, और ये लास्ट में है स्मूथ। मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जैसा मैंने बताया ऑर्थो में, ठीक है।
आपको डायरेक्टली ना समझो मैंने ये लाइन शेप बनाया ऐसा और मुझे इसके अंदर जाना है और वर्टेक्स में जाने का है बराबर। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं ना इसको ऑन ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली दबाऊंगा ये प्रेस करूंगा आपके कीबोर्ड के ऊपर ऊपर वाले जो नंबर है ना 1 2 3 4, 1 मतलब वर्टेक्स, 2 मतलब सेगमेंट, 3 मतलब स्प्लाइन। मैंने 1 दबा दिया, वर्टेक्स ऑन हो गए। ओके अभी इसके ऊपर मैं समझो क्लिक करूंगा और बोलूंगा स्मूथ, तो क्या हो गया ये जो कॉर्नर पॉइंट था वो मेरा कर्व में बन गया। अभी खाली ये कर्व में बना है, अभी मुझे इसको चेंज करने का है, शेप को चेंज करना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो अपने पास दो ऑप्शन है, बेजियर कॉर्नर, बेजियर। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, समझो मैंने बेजियर चूज किया, मेरे को दो हैंडल्स मिलते हैं, ये मैं किसी एक को पकड़ता हूँ। आपको जो ये यहाँ पे देखो मेरा एरो दिख रहा होगा, जैसे मैं इसके पास जाता हूँ तो मेरे को प्लस मार्क दिखता है या फोर साइड एरो दिखता है बराबर। इसको मैं क्लिक करके चेंज करने की कोशिश करूंगा तो क्या होता है, ओवरऑल शेप ही चेंज हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मेरा एरो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट है ना, इसी को ही मुझे चेंज करना है। ऊपर का मेरा बराबर है, मेरे को ये वाला पोर्शन चेंज करने का है। तो क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक, अपने को चूज करना पड़ेगा बेजियर कॉर्नर। बेजियर कॉर्नर क्या करता है, सिंगल सिंगल में काम करना चालू करेगा। सेम यहाँ पे राइट क्लिक बेजियर कॉर्नर, तो मैं ये वाला हैंडल से थ्रू में मेरा शेप जैसा भी रहेगा वही हिसाब से मैं इसको चेंज करूंगा, राइट। इतना समझा, क्लियर सबको? वो सोया नहीं ना, हाँ जोप्लेस करना है ना। अभी अपने को ये जो नीचे जो ऑप्शन है इतने सारे, ये देखने का, ये क्या है, ये क्रिएट लाइन, मतलब इसी में ही आपको दूसरा लाइन बनाने का है, मतलब मुझे वापस दूसरा एक कोई शेप बनाना है, बट इसको वो अटैच रहेगा, मतलब जॉइंट रहेंगे दोनों बराबर। तो मैं यहाँ पे दूसरा एक शेप बनाता हूँ, सेम जैसे लाइन टूल काम कर रहा था वैसा ही काम करता है, ये दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं, इसी का पार्ट है वो, ठीक है। अभी समझो मैंने इसको बंद कर दिया और इसको मूव कर दिया, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल एक शेप बन गया, और ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन दोनों से अटैच है। समझो मुझे ब्रेक करने है उसको, तो मैं क्या करूंगा, मुझे स्प्लाइन में जाना पड़ेगा। स्प्लाइन मतलब ओवरऑल एक शेप होता है अपना, ये एक शेप है, ये एक शेप है, किसी एक को पकड़ते और इसको बोलते लास्ट में इधर ऑप्शन है डिटैच करके, ये रहा डिटैच। अभी क्या हो गया, ये मुझे पूछ रहा है कि इसको कुछ आपको अलग से नाम देना है क्या, आपको नाम देना है, आप नाम दे सकते हो जो भी मैक्स खुद दे रहा है, शेप 001। ओके इसको बंद कर दिया, ये एक शेप है, ये दूसरा शेप है, ठीक है। इसके अंदर आप जाते हो वापस, अटैच नाम की चीज है, मैंने डिटैच बताया आपको, समझो आपने आपको अटैच करना है, अटैच, और यहाँ पे आओ क्लिक करो, अटैच हो जाएगा वो। मल्टीपल अटैच बहुत सारे है, यहाँ पे लिस्ट आती है आपके पास कितने सारे शेप्स है, आप डायरेक्टली सबको सिलेक्ट करो, जितने समझो अगर आपको नाम मालूम है, अपने प्रॉपर नेमिंग किया है, तो वो आप मल्टीपल जो भी आपको चाहिए वही हिसाब से कंट्रोल से थ्रू सिलेक्ट करो और अटैच कर दो, तो उतने जो आपने जितने शेप्स ये सिलेक्ट किए लिस्ट में से वो अटैच हो जाएंगे, समझा। ये ऑप्शन कहाँ पे था, अटैच मल्टीपल में। नॉर्मल अटैच लेते हो तो एक ही ऑब्जेक्ट आपका अटैच कर सकते हो, ज्यादा रहेंगे तो मल्टीपल अटैच में जाने का। देन अभी अपने को देखने का ये ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये रेंडरिंग। रेंडरिंग में क्या है, ये मैंने समझो अनेबल रेंडर बोल दिया तो खाली मुझे रेंडर में दिखाएगा, अगर मैंने समझो बोल दिया व्यूपोर्ट में भी दिखा तो मुझे व्यूपोर्ट में शो करना चालू करेगा। अब ये दोनों में क्या था, देखो अगर आप ये ऑन ऑफ करते हो तो मुझे एक शेप दिखता है, सॉलिडनेस दिखता है,
समझो ये ऑफ है और मैं रेंडर करता हूँ शिफ्ट क्यू रेंडर, तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। समझो मैंने ये ऑफ रखा है और मैं कितना भी रेंडर करने की कोशिश करूँ ब्लैक दिखने वाला है, क्यों ये ऑप्शन ऑन नहीं है। स्प्लाइन कभी रेंडर में शो नहीं करते, जो हम लोग लाइन वगैरह जो बना रहे ना वो कभी आपको रेंडर में शो नहीं करते, आपको इसको सॉलिडनेस देना पड़ता है। ये शेप्स है, खाली आप एक शेप बना रहे हो, उसको सॉलिडनेस 3D में नहीं बना सकते, ये 2D है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये पूरा 2D है, जैसे आपका ऑटोकैड में बताइए पॉलीलाइन करके ऑप्शन है, ये वही चीज है राइट। अनेबल रेंडर, अनेबल व्यूपोर्ट, रेडियल का मतलब रेक्टेंगुलर का मतलब रेक्टेंगुलर क्या रहता है, मैथ्स पढ़े ना सब लोग। हाँ रेक्टेंगुलर शेप है बराबर। और रेडियल क्या रह सकता है, नहीं नहीं मेरे खाली रेडियल का मतलब बताओ क्या, सर्कुलर राइट। अगर आप इसका थिकनेस दोगे और इसको प्रस्पेक्टिव में चेक करते चाहिए तो ये आपका शेप राउंड है, राउंड दिख रहा रेक्टेंगुलर लेंगे तो स्क्वायर में दिखेगा, जैसे आपका उसका लेंथ एंड विड्थ है वो हिसाब से आप सेट सेट करोगे, जितना आपको लेंथ देना है जितना विड्थ देना है। एक चीज याद रखना इसके अंदर, आप जब भी देखोगे ना इसको तो ये जब लेंथ वगैरह आप चेंज करते हो ना, ये चेंज करते हो ना तो लाइन जैसे जहां पे मैंने बनाई थी ना उसके सेंटर पॉइंट में से चेंज होता है, ये आधा इधर आधा उधर। समझो मुझे ऐसा शेप चाहिए जो ये हमारा लाइन बना है ना मैंने उसके बराबर इस साइड चाहिए या इस साइड चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन अपने कुछ काम का नहीं है, अपने को इसके लिए एक अलग सा मॉडिफायर आता है वो हम लोग नेक्स्ट जब ये खत्म होएगा स्प्लाइन उसके बाद वही चालू होएगा वो टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। क्या है ऐसा भी है, समझो मुझे एक महीने से लाइन बनाई है और लाइन के अंदर साइड या आउटर साइड मुझे शेप चाहिए तो कैसे बनाएंगे, आपको राउंड चाहिए तो राउंड मिलेगा उसके, उसमें भी यहाँ पे राउंड है रेक्टेंगुलर है उसके अंदर और शेप्स है ज्यादा है, तो आपको ये वाला यूज करना है और वो वाला मॉडिफाई यूज करना है, आपके पास ऑप्शन है। मतलब एक कोई शेप बनाया जिसको आपको थिकनेस देने का है, थिकनेस है समझो एक सिंबल बनाया आपने उसको नियॉन लाइट डिफेक्ट देना, नियॉन लाइट तो पाइप रहता है एक नॉर्मल और उसके अंदर से वो ग्लो होता है, तो आप वो समझो एक शेप बना दिया जो भी लोगो है आपका बना दिया और उसको ये अनेबल रेंडर से थ्रू ऑन कर दिया और ग्लो तो हो जाएगा वो इफेक्ट से, हम लोग आगे देखेंगे कैसे करेंगे, आप वो भी बना सकते हो इससे। ठीक है समझा इतना रेंडरिंग क्या है और ये अटैच मल्टीपल्स और सब। अभी समझो मुझे ना इसके अंदर यहाँ पे किधर तो एक पॉइंट की जरूरत है, एक वर्टेक्स पॉइंट चाहिए, तो आपको रिफाइन करके ऑप्शन है वो वाला इस्तेमाल करना है। रिफाइन का यूज होता है वर्टेक्स ऐड करने के लिए, या आप राइट क्लिक करो रिफाइन यहाँ पे मिलेगा आपको, आपको क्रिएट लाइन ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, अटैच ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा बराबर, राइट क्लिक रिफाइन, या आप यहाँ से भी लोगे तो भी चलेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं होती, राइट डायरेक्टली आपने शेप बना दिया राइट क्लिक आपको रिफाइन करना है क्या करना है आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक चेंज हो रहा है मेरा आइकॉन ये एरो, मतलब आपको जो भी पॉइंट पे करने का है कहाँ पे भी आपको यहाँ पे चाहिए इधर किधर चाहिए क्लिक ओके, कमांड मैंने बंद कर दी, ये देखो वर्टेक्स पॉइंट ऐड हो गया और ये शेप में चेंज कर सकता हूँ। अगेन इसके ऊपर मुझे क्या करने का है, बेजियर कॉर्नर से थ्रू अगर इधर ऐसा कर्व बनाने का है, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है इसको भी मैं चेंज करता हूँ बेजियर कॉर्नर, क्योंकि ये लाइन मुझे ऐसे ही रखने है और ये शेप को चेंज करना है। तो कुछ भी बना सकते हैं, स्विमिंग पूल भी नहीं ओके समझो आपको आपके पास से गलती से ये वाला पोर्शन है ही नहीं, समझो ये नहीं है
बनाते वक्त गलती से बन गया, कुछ ऐसा ही बन गया, और बाद में मुझे याद आया कि ये पॉइंट ज्वाइंट होना चाहिए था, ये ज्वाइंट नहीं हो सकते, भी क्या करेंगे। दो मेथड है आपके पास, एक कनेक्ट करके ऑप्शन होता है, इधर नीचे है वर्टेक्स में कनेक्ट, ये कनेक्ट से थ्रू आप ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे वेल्ड करने की भी जरूरत नहीं है, अभी वेल्ड क्या रहता है, समझो मैंने ये वर्टेक्स पॉइंट मेरे ज्वाइंट नहीं थे, शेप बना दिया, सब कुछ बना दिया, और ये पॉइंट मुझे समझो ज्वाइन नहीं किया था। चलो एक काम करते हैं, मैं आर्च लेता हूँ, ये आर्च मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये आपको दिखाना होगा। अच्छा तो ये आर्च ये अभी थोड़ी देर में पड़ेंगे, ये एक शेप है मेरे पास और ये एक लाइन है ऐसी, ठीक है, ये लाइन है और ये शेप है। अभी मुझे क्या करने का है, ये पूरे शेप को मेरे को ज्वाइन करने का है। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली राइट क्लिक बोलूंगा, अटैच करूंगा, इसके साथ मैं इसको अटैच कर दिया। अभी ये शेप मेरा कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला पोर्शन अलग है, ये लाइन वाला और ये वाला अलग है। मैंने दो शेप लिया था ना, एक आर्च लिया था और एक ये लिया था, ये लाइन और ये दोनों अलग अलग है, देखेंगे तो आप ये ज्वाइन नहीं है मेरा। अब इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, वर्टेक्स इसको पकड़ा, आपके पास स्नैपिंग ऑप्शन है बराबर, मैं 2.5 स्नैप यूज करता हूँ 2D में, इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर मैंने ओवरलैप कर दिया बराबर। अभी खाली मैंने ओवरलैपिंग किया है, फिर भी मेरा शेप कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स ज्वाइंट नहीं है, वेल्ड नहीं हुआ है। दो रॉड को ज्वाइन करते तभी वो क्या, खाली इसको ऊपर रख देते और बोलते ज्वाइंट हो गया क्या, नहीं, इसको वेल्डिंग करना पड़ता है तब जाके और दोनों रॉड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। सेम प्रोसेस है, ये शेप और ये शेप मेरा खाली मैंने वर्टेक्स ओवरलैपिंग किया है। क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक या फिर सॉरी इसको ड्रैग करके सिलेक्शन करो, ऐसा नॉर्मल क्लिक नहीं करने का, क्योंकि नॉर्मल क्लिक करते हो तो दो वर्टेक्स में से कोई एक वर्टेक्स पकड़ा है, अपने को दोनों पकड़ना है। ट्रैक सिलेक्शन का मतलब होता है कितने भी सारे इसके नीचे 100 वर्टेक्स रहेंगे ना, तो 100 के 100 सिलेक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो। आप नॉर्मल क्लिक करोगे तो कोई ऊपर वाला या कोई बीच वाले कोई तो एक सिलेक्ट हो गया, बस ट्रैक सिलेक्शन करते हो ऐसे तो ऊपर से नीचे जितने इसके नीचे कितने रहेंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी मेरे पास दो वर्टेक्स सिलेक्टेड है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन रहता है वेल्ड वाला, ये रहा, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, राइट क्लिक वेल्ड वर्टेक्स, देखो शेप चेंज हो गया मेरा। यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन ब्रेक है, ये लाइन ब्रेक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये इधर इधर मेरा एरो है ना, इधर कुछ भी नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ राइट क्लिक वेल्ड वर्टेक्स, ये ऐसा जाके मुड़ रहा है, बराबर समझ में आ रहा है सबको। अगेन ये ज्वाइन नहीं था बराबर, ड्रैग सिलेक्शन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है माइनर माइनर पॉइंट में पकड़ता नहीं, वेल्ड नहीं होता है, होता है ऐसा बहुत बार होता है, भले आपने ओवरलैपिंग किया है सब कुछ किया है फिर भी वेल्ड नहीं रहता है, आपका शेप इनकम्प्लीट दिखेगा, आपको सॉलिडनेस नहीं दिखेगा इसके अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक फ्यूज वर्टेक्स करके एक ऑप्शन रहता है, फ्यूज का मतलब होता है दो वर्टेक्स एक दूसरे के पास लाने का, ये अपने बैच में आ जा, आ जा तू बैठ, फ्यूज का मतलब होता है दोनों को एक दूसरे के पास लाने के काम करेगा फ्यूज, लाइट वाला फ्यूज नहीं, ये अलग है, फ्यूज दो वर्टेक्स को पास लेके आया, साइड में एक बार क्लिक कर दिया, नॉर्मल डी सिलेक्ट कर दिया, अगेन ट्रैक सिलेक्शन वेल्ड वर्टेक्स, शेप अभी कंप्लीट है। देखो सॉलिडनेस लाता हूँ, इसके ऊपर एक मॉडिफाई यूज करते हैं जिसका नाम है एक्सट्रूड, ये कैसे ला रहा हूँ मैं ये आपको
नेक्स्ट टॉपिक में समझ में आएगा, ठीक है। मैं अभी आपको जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या रहता है ये, दिख रहा सॉलिडनेस, इसके अंदर आपको थिकनेस चाहिए, जो भी चाहिए आप कर सकते हो, बट आपका शेप प्रॉपर बनना चाहिए। अगर ये बना नहीं है तो ये सॉलिडनेस आपको नहीं दिखेगा, ये पूरा अंदर होलो दिखेगा, खाली ऐसे से एक स्ट्रेट पतला लाइन, पेपर जैसा लाइन दिखेगा बस। हाँ, अगर ये वर्टेक्स मेरा वेल्ड नहीं रहता, समझो मैं किसी को एक जन को ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक, ब्रेक वर्टेक्स करके रहता है, यहाँ पे भी ऑप्शन है वो ब्रेक करके, ये रहा ब्रेक, मैं ब्रेक कर दिया और मैं बोल दिया एक्सट्रूड, तो देखो पत्रा दिखता है, खाली सॉलिडनेस निकल गया, क्यों ब्रेक है, वर्टेक्स एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हुए। अगेन जैसे मैं इसको वेल्ड कर देता हूँ, राइट क्लिक, वेल्ड वर्टेक्स सॉलिड, समझे, क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट है, जितना टॉपिक कवर किया अभी तक उसके अंदर कोई डाउट है? कमेंट बॉक्स में लिखो सर प्लीज, जो भी रहेगा आपका रिप्लाई। आपका वॉइस नहीं मिलता है सर मुझे, नो। कनकवली वाले लोग, कनकवली स्टूडेंट्स, कोई डाउट आपको लाइन में से जो टॉपिक कवर किए कोई आपको अभी तक समझ में नहीं आया? लोरेट कनकोली प्लीज रिप्लाई करो आप। ओके थैंक यू। अभी लाइन में कुछ छोटे छोटे जो ऑप्शन से वो कवर करते, मैं एक शेप बनाता हूँ लाइन से, कोई डाउट रहेगा तो अभी पूछ लो मेरे को। है कुछ डाउट किसी को? नहीं हाँ, 2018 अठरा अठरा आहे ना, त्याच्यामध्ये काय होतंय? बुलियन ऑप्शन नाही दाखवत तुला? हा ओके, बुलियन मी करतोय, हे झाल्यावर ते एक्सप्लेन करतो वापस, ठीक आहे। सॉरी, इसके अंदर करते हैं, ये समझो शेप है मेरा, ये हम लोगों ने एक्सट्रूड किया था, ये सब मैं डिलीट मारता हूँ, ये अपना शेप था बराबर। अभी मुझे इसका ऑफसेट लाइन चाहिए, ऑफसेट अपने ऑटोकैड में देखा है ऑफसेट क्या काम करता है, स्प्लाइन में जाने का, सिलेक्ट करने का इसको, इसके अंदर आपको एक आउटलाइन करके ऑप्शन मिलेगा, ये रहा इधर, आपको कितना डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, कितने इंच के ऊपर चाहिए, कितने मिलीमीटर्स में, जो भी रहेगा, ये यूनिटलेस में काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है, जीरो जीरो जस्ट अमाउंट दिख रहा है, आगे का यूनिट कुछ भी नहीं है। यूनिट्स हम जैसे सेटअप करेंगे इसके अंदर, यूनिट सेटअप, फिर ऑटो कैड का प्लानिंग पुट करेंगे, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट करेंगे सब कुछ, तभी जाके आपको यहाँ पे यूनिट्स दिखना चालू होगा। अभी मुझे, मैं एक रैंडमली कोई भी अमाउंट पकड़ के चल रहा हूँ, और मैं जस्ट एक 100 का मुझे चाहिए ऑफसेट, मैं प्लस में चल रहा हूँ इसलिए मुझे बाहर की तरफ मिल रहा है, अगर मैं माइनस में लेता हूँ तो मेरा अंदर की तरफ आएगा। अभी ये ऑफसेट करते हैं ना हम लोग, तभी इश्यू क्रिएट होता है, देखो क्या एक बार बता दो, ये देख रहे हो, ये क्यों होता है, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स का ऑफसेट देने के बाद है ना, जो डिस्टेंस है ना वो प्रॉपरली मैक्स कवर नहीं कर पाता है, वो नहीं हो रहा है, वो मैं 2010 से देख रहा हूँ, 2021 है, मेरे पास 23 भी है, सेम इशू है, वो कवर नहीं हो रहा है, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या इशू है।
और मोस्ट ऑफ क्या रहता है, जो फॉरेन कंट्री वाले लोग है ना, ये स्प्लाइन का ज्यादा यूज, हम लोग इंडियन बहुत स्प्लाइन में खेलते हैं, उन लोग का नॉर्मल स्ट्रेट लाइन ड्राइंग रहता है, या कर्व में रहेगा तो वो बहुत आड़े टेढ़े शेप रहते हैं, तो वो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग प्लगइन्स वगैरह यूज करके बनाते हैं, उनके पास रहता है सब, तो उन लोग को ये ध्यान नहीं दिया रहेगा, या किसी ने समझो ऑटोडेस्क को कमेंट कर दिया भी रहेगा, उन्होंने इग्नोर किया रहेगा, बट वो है, ऐसा इशू है। अपने को मैनुअली थोड़ा सा इसको एज ए विजुअली, या आपके पास ऑटोकैड का लाइन मैच है इसका प्रॉपर है, तो आप इसके ऊपर ओवरलैप मैच कर सकते हो, ये बेजियर करना पड़ेगा मुझे, और एक लगभग ऐसा कुछ। और इसके ऊपर मैंने जो मॉडिफाई डाला था वो एक्सट्रूड वाला, मैं इसके ऊपर डालता हूँ एक्सट्रूड वाला मॉडिफिकेशन, तो ये मेरा सॉलिड बनेगा ऐसा, दो स्प्लाइन के बीच वाली लाइन सॉलिड मिल गई, समझ में आया सबको? अगर इसकी क्या बोलिए, ऑफसेट कमी करूं? करूंगा ओके ये नहीं था, ठीक है, सिलेक्ट स्प्लाइन, मैंने स्प्लाइन में गया, मैं यहाँ पे स्प्लाइन, क्योंकि ओवरऑल शेप पकड़ना किसका करने का ऑफसेट वो समझ में आना चाहिए, वर्टेक्स का तो आप लोग ऑफसेट नहीं बनाओगे, एक सेगमेंट का ऑफसेट नहीं बनाओगे, ओवरऑल शेप का बनाओगे, शेप पकड़ने लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, स्प्लाइन, मैंने स्प्लाइन में चला गया मैं, और यहाँ पे आउटलाइन करके ऑप्शन रहेगा आपके पास, हाँ है, बट मेरे को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, वो राइट क्लिक में मुझे दिख रहा है, बट मुझे क्या करने का है, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेरे को मेंटेन करना है डायमेंशन में, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, और कितना आपका रहेगा इंच फीट एमएम सेंटीमीटर जो भी यूज कर रहे हो आप, वही हिसाब से आपको ठीक है, और ये बाद में आप लोग प्रॉपरली अरेंज करोगे, और मैंने इसके ऊपर ये कमांड मैंने ऑलरेडी दे दी, तो मेरा शेप ऐसा बनता है। अगर वापस मैं समझो अंदर वाला पोर्शन पकड़ता हूँ ये, और इसका वापस ऑफसेट लेता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, ये प्रॉपर बाद में वापस अरेंज करना पड़ेगा, जितने आप अंदर अंदर जाओगे ना ज्यादा माइनस में, तो आपको ये शेप ऐसे दिखेंगे, आपको मैन्युअली थोड़ा बहुत इसको चेंज करना ही पड़ेगा। क्या हो गया देखो, पहले अपने को ये वाला बीच वाला पोर्शन नहीं था, ये इसका ऑफसेट मार दिया, ये पोर्शन सॉलिड हो गया, बीच वाला सॉलिड है, हॉलो है, अगेन सॉरी, इसका वापस ऑफसेट मारूंगा तो ये इधर का पोर्शन सॉलिड दिखेगा और अंदर का पोर्शन हॉलो दिखेगा, क्लियर? स्प्लाइन क्लियर सबको? अभी ये यहाँ पे अपने को ये टॉपिक पढ़ना था, ये फिलेट ठीक है, ऑटोकैड वाला सेम, फिलेट और चैम्फर दो अपने को कवर करने, क्या है देखते हैं, फिलेट का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, फिलेट से कवर बनेगा बराबर, चैम्फर से क्या होगा, कट होएगा, देखो ये मैं फिलेट करता हूं, आपका जो भी डायमेंशन रहेगा आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, या मैंने बटन के ऊपर क्लिक किया, विजुअली सेट करना है आपको, विजुअली भी कर सकते हो, कौन सा भी पॉइंट पकड़ो, ये वाला पॉइंट पकड़ लिया तो भी जुएगा, और ये वाला पॉइंट पकड़ा फिर भी जुएगा, बराबर। अभी ये लाइन चेक करते मेरा बराबर, ये मैंने ये ऑन किया ना, इसकी वजह से थोड़ा इशू दे रहा है अभी,
ये ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट को नहीं कर सकते, फिलेट चैम्फर ये पॉइंट को नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसको मार्जिन ही नहीं है, और फिलेट कहाँ पे करेगा? ये फिलेट करेंगे तो इसको यहाँ पे कुछ मार्जिन ही नहीं है, तो आपको ऐसे वाला कॉर्नर पॉइंट या दूसरा कोई सा रहेगा जैसे आपके शेप के ऊपर है, बट कॉर्नर पॉइंट को हम लोग फिलेट कर सकते हैं, ये याद रखना। इसको नहीं कर सकते, इसको करने जाएंगे ना आप तो देखो क्या होता है, ये हो जाएगा। फिलेट बनेगा क्योंकि मार्जिन पॉइंट है उसका। चैम्फर करते हैं, चैम्फर और जितना आपका पोर्शन रहेगा वही सब सबको चैम्फर, समझा? क्लियर? वो लास्ट बेंच टू और ये समझा तेरे कुछ? अभी अपने को ये ट्रिम वाला एक ऑप्शन है वो देखने का है, ट्रिम ऑटोकैड सेम सेम, ये पूरा ऑटोकैड के ऊपर ही बेस के ऊपर ही बना है। आप ऑटोकैड में जितने भी वो लाइन में पड़े रहेंगे ना सब टॉपिक्स, वही टॉपिक्स आपके इसके अंदर है, बट ऑटोकैड में आपको हर 2D देगा, ये आपको 3D बना के ट्रिम करते हो। तो समझो एक एक्सटर्नल एक्स्ट्रा लाइन जो भी रहती है आप वो ट्रिम करते हो शेप में से, ये मेरे एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, ये मेरे एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, ये सब नहीं है, ठीक है। अभी समझो मुझे ये वाले लाइंस नहीं है मेरे पास, ये भी लाइन नहीं है, ये भी लाइन, मैं सेगमेंट से थ्रू इसको डिलीट मार दिया डायरेक्टली। अभी अपने को क्या करने का है, इसी का ही एक एक्सटेंड करके ऑप्शन होता है। आपके ऑटोकैड में है क्या? ऑटोकैड यूज करते हो तो मालूम है, ऑप्शन जो मिलते भी नहीं, ठीक है। एक्सटेंड करना है अपने को, देखो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक, अभी इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों? डेड, उसका जो डेडलाइन था वो वहां पे ही था, क्लियर? समझा पूरा लाइन? इसके अंदर बहुत कुछ अलग अलग ऑप्शन है, हाइड बीड अपने को कुछ काम के नहीं, अपने को हाइड तो कुछ करने का नहीं है, बचा है क्या और? फिलेट हो गया, चैम्फर हो गया, ये फ्यूज भी है ना वही है, फ्यूज वर्टेक्स वगैरह वही है, ओके। लाइन में पूरा समझा दी, किसी को डाउट नहीं लाइन में, इंपॉर्टेंट है ये, आगे में सब इसके ऊपर ही खेलने वाले हम लोग, प्लान इंपोर्ट करना फिर उसके ऊपर जैसे डिजाइन रहेगी वो इंप्लीमेंट करना, सब लाइन के ऊपर खेले, इसलिए बोलता लाइन में कुछ भी डाउट रहेगा अब भी बताओ, नहीं है? लाइन में कुछ अभी तक पढ़ा है जो जिसको डाउट है कुछ? पुणे कनकवली सर कुछ डाउट? कमेंट करो सर प्लीज, तो आगे आगे का टॉपिक मैं कवर करूं। कनकवली स्टूडेंट प्लीज कमेंट करते जाओ, आप थोड़ा फास्ट रिप्लाई करना सर प्लीज। कनकवली स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करो यार प्लीज, जो भी आपका डाउट रहेगा आप चैट बॉक्स में लिखो, ओके। अभी हम लोगों ने लाइन देखा ये सब, ओके। अभी नेक्स्ट क्या है इसका?
इसी का ही, स्प्लाइन का ही रेक्टेंगुलर, ये सब इजी है, रेक्टेंगुलर सर्कल ये जो भी दिख रहा है ना, ये सब इजी है, इसमें कुछ रेडीमेड शेप से। वो रेक्टेंगुलर क्लिक, आपको जैसा रेक्टेंगुलर लगेगा, जैसा बॉक्स बनाते हैं हम लोग वैसा ही बनाने का आपको, बस बॉक्स सॉलिड बनता है, ये नॉर्मल आपका शेप दिखेगा। क्या क्या है इसके अंदर, ये अनेबल रेंडर हम लोगों ने अभी देखा था, तो आप इसको भी अनेबल कर सकते हो। रेक्टेंगुलर में लेंथ और विड्थ रहेगी, तो आपको लेंथ एंड विड्थ जैसा चाहिए वो हिसाब से आप डालो, बराबर है। अभी ये एंगल आपको नया दिख रहा होगा इसके अंदर, ये क्या था, जब आप ये अनेबल अनेबल करते हो और ये शेप को आप बनाते हो, समझो मैंने शेप बना दिया इसका, ये बना दिया ऐसा, रेंडर के अंदर दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर का नहीं दिख रहा, रेंडर के अंदर दिख रहा इसका सॉलिडनेस, ऐसा ऐसा कुछ शेप है आपके पास। ये एंगल क्या चीज है वो देखने का अपने को, एंगल का मतलब होता है ये जो शेप है ना आप टिल्ड कर सकते हो। देखो एंगल, आपको जो भी एंगल पोर्शन है वो आप एंगल में रख सकते हो, आपका जैसा जो भी डिग्री में ऐसा ऐसा है ऐसा है आप बना सकते हो ऐसे भी, ठीक है। अभी रेंडर का देख अपना, इसका देखने का अपने को रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या है, ओके। इसका लेंथ एंड विड्थ मैंने सेट कर दिया, इतना मेरा एक एरिया है, इतना मेरा लेंथ एंड विड्थ है। कॉर्नर रेडियस क्या रहता है, ये मतलब ये जो भी कॉर्नर है ना आप लोग इसको फिलिट कर सकते हो, ऐसा बना सकते हो। आप बोलोगे मेरे को एक ही पॉइंट को करना था, तो कैसे करेंगे, इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जो आप पर्टिकुलर एक पॉइंट को आप कॉर्नर कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये शेप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझे। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, स्प्लाइन पढ़ रहे हैं, तो एक ऑप्शन होता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे आपके पास ये सब ऑप्शन मिलेंगे, ये क्या है आपको दिख रहा है, एडिटेबल स्प्लाइन, ठीक है, अपने को इसी में कन्वर्ट करना, एडिटेबल मेश, एडिटेबल पॉली, एडिटेबल पैच और एडिटेबल नर्व्स, ठीक है। ये क्या क्या है अपने को पढ़ना है, एडिटेबल स्प्लाइन और एडिटेबल पॉली। एडिटेबल पॉली मेश का ही एडवांस एरिया है, ये मेश दिख रहा है ना, मेश इसका एडवांस आया था पॉली, जब पॉली नहीं था तभी मेश यूज करते थे, मेश नहीं था तभी पैच यूज करते थे, पैच नहीं था तभी नम्स यूज करते। बहुत पुराने वाले वर्जन आप देखोगे ना आपको खाली एक ही मिलेगा, एडिटेबल नम्स और एडिटेबल स्प्लाइन, बस दो ही ऑप्शन। गेम खेलते तभी कुछ एरिया सा फटाफटा दिखता है, समझे एक झाड़ के अंदर गए ऐसे घुस गए आप लोग तो फट जाता है वो, सब फटाफटा दिखता है, या दूर से भी देखोगे थोड़ा फटाफटा दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि वो नम्स में या पैच में बना है, एकदम लाइट वेट रहता है, रेंडर में फास्ट होता है और एकदम लाइट वेट रहता है। स्ट्रांग चाहिए आपको तो मेश है, उससे भी स्ट्रांग चाहिए तो पॉली है। अभी जो भी सब बनता है मूवीज गेम्स इतने एडवांस लेवल का, ये सब आप क्या खेलते हो, कौन सा गेम खेलते हो, पबजी एडवांस लेवल का गेम है, पुराने गेम देखो अभी का गेम देखो, प्रोजेक्ट आईजीआई वगैरह वो जो गेम थे ना पहले वो देखो फटे फटे दिखते, पर ये आपका क्या नाम पबजी वो थोड़ा एडवांस लेवल दिखता है, जल्दी ऐसा उसका ग्राफिक्स फटाफटा नहीं दिखता, क्यों पॉली पॉली में बने सब। अपने को करना है एडिटेबल पॉली, ठीक है, यहाँ पे भी आओगे वर्टेक्स पॉइंट, जो भी आपने लाइन में अभी तक पढ़ा, जितने भी टॉपिक हम लोगों ने लाइन में पढ़े ये सब टॉपिक इसके अंदर आ गए। देखो ये सब क्या क्या था अपने पास, ये था वेल्ड, कनेक्ट, फ्यूज, फिलिट, चैम्फर्ड, अपने को फिलिट करने का आया, सब वही है, कुछ अलग दिख रहा है आपको, डाउट है तो लगाई विचार, ठंडी वस्ते बाकी जाना गर्म होने पड़ा, ठीक है। एक वर्टेक्स पकड़ते हैं और इसको फिलिट करते हैं, इसके अंदर कुछ ज्वाइंट नहीं था, देखो लफड़ा है, ओवरलैप वर्टेक्स कितने दे देगा, ये मैंने बेजियर हो गया था, मेरे से कॉर्नर चाहिए, मैं फिलिट कर रहा हूँ तो उतना उसको
पोर्शन नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ बेजियर रखा है। हो गया एक पॉइंट, दो पॉइंट चाहिए, दो आपको, दो दोनों सिलेक्ट करो, इक्वली बनेंगे, ये थोड़ा कम है ये थोड़ा ज्यादा है, तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, ये भी सेम इश्यू है। राइट क्लिक, कॉर्नर और फिलेट, ये वर्टेक्स मेरे से ओवरलैप है। ओके अगेन कॉर्नर और फिलेट कर दिया अभी। देखा इशू था है ना, वो आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है। जूम करके मैंने जैसे जूम कर दिया, मेरे को समझ में आया कि कुछ छोटा सा पोर्शन फिलेट हो गया था और एक वर्टेक्स को उधर उतना मार्जिन नहीं मिल रहा था घूमने के लिए, तो फिलेट ही नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज यहाँ पे ऐसा था, क्यों होता मालूम है, ध्यान दिया रहेगा तो आपको मालूम है, मैंने जब ये शेप बनाया था ना तो वहां पे मैंने कॉर्नर यूज किया था, याद है, रेक्टेंगुलर बनाया तभी वो लास्ट वाला ऑप्शन था ना कॉर्नर करना, वो मैंने कॉर्नर ऑन रखा था, कॉर्नर को मैंने जीरो नहीं किया था, तो ये कॉर्नर में मैंने कन्वर्ट मार दिया इसको, तो ये वर्टेक्स क्या हो गया, कितने वर्टेक्स है इसके अंदर, देखो तीन वर्टेक्स पड़े मेरे पास, इसलिए वो फिलेट नहीं हो रहा था। आपको प्रॉपरली रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, प्रॉपर रेक्टेंगुलर, एकदम प्रॉपर रेक्टेंगुलर, ये आपका ऑप्शन जो है कॉर्नर वाला ये जीरो होना चाहिए, इसको राइट क्लिक कन्वर्ट स्प्लाइन, वर्टेक्स पकड़ते ये वर्टेक्स चेक करते ऐसा है, चाहे तो आप सब वर्टेक्स पकड़ो, इन लोग को सबको बोल दो कॉर्नर, ये होना ही चाहिए 100%। क्लियर, ओके, रेक्टेंगल समझा इतना। अभी नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्शन, जितने भी रहेंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल ए डिलीट, सब डिलीट, ठीक है। सर्कल, अरे जो पालेगा नहीं ना नक्की, तो डोळे जो ताराटले एकदम म्हणून तोंड धुणे ना, तोंड धुणे तुला जो पाठत असेल तर सर्कल, ओके क्लिक ड्रैग कर दिया सर्कल, जितना रेडियस रहेगा उतना, आपको चेंज करना है बाद में, आप चेंज करो, आपका डायमेंशन है एक पर्टिकुलर रेडियस आपको मालूम है, उतना रेडियस आप डाल सकते हो इसके अंदर, ये रेंडरिंग हमने देखा अभी, यहाँ से अनेबल ऑनेबल करना है ये सब कुछ, इंटरपोलेशन आपको मालूम है क्या है, अभी ये सर्कल जो है क्रूकेट दिख रहा है बिकॉज ऑफ स्टेप्स कम है, आप इंटरपोलेशन डायरेक्टली ऑन करो स्मूथ हो जाएगा। ओके बस इसके अंदर कुछ ऑलरेडी शेप राउंड है तो उसमें कॉर्नर वर्नर वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर सकते हो, आपका जो भी शेप रहेगा कन्वर्ट टू स्प्लाइन करना है आपको, करो क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, बाद में आपको जो भी चेंजेस करना है इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, ये रेडीमेड शेप है आपके पास, रेडीमेड शेप है ये एग वाला, इसका नाम ही उन्होंने एग दिया। इलिप्स, आपके पास इलिप्स शेप चाहिए ऐसा कुछ बनाने का है, अभी इसके अंदर है ना दो मेथड है बनाने के लिए, देखो कौन सा, देखो यहां पे लिखा है सेंटर, यहां पे लिखा है एज, मैं जब बनाता हूं तो सर्कल कैसे ड्रॉ होता है ऑब्जर्व करना, देखना सेंटर से ड्रॉ हो गया, अभी मैं ड्रॉ करता हूं एज में से, एक पॉइंट से यहां पे ये पॉइंट दे दिया मैंने समझो, तो ये पॉइंट में से शेप बाहर निकल रहा है और ये पॉइंट सेंटर पॉइंट से ओवरऑल शेप निकल रहा है, ये पॉइंट में से निकला, ये आपका सेंटर में से निकला, अभी ये कब काम आएगा आपको, जब ऑटोकैड में आपने सर्कल ड्रॉ किया है,
समझे, सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, मैंने लिया ये और मैं लेता हूँ सर्कल, तो मैं एज एज में से ये पॉइंट पकड़ा इसका, ओके और ड्रॉ करता हूँ, मैच हो गया। अगर समझो मैं ऐसा नहीं बनाता और सेंटर से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो मेरे को इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा पहले क्या है, और फिर मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये मैच होगा नहीं होगा मालूम। फिर आप क्या करोगे, इसको बार बार मूव करोगे, थोड़ा नीचे थोड़ा इधर, थोड़ा इसका रेडियस बढ़ाएंगे, फिर भी मैच नहीं होगा, फिर आप थोड़ा मूव करोगे, टाइम वेस्टेज टाइम होगा। सीधा क्या करो, आपको एज पकड़ो, एज में से सर्कल लो, एक पॉइंट पकड़ो इसका स्प्लाइन से अपना स्नैप से थ्रू, और मैच क्लियर। सेम मेथड आपका इलिप्स में भी था, एज में से चाहिए सेंटर में से, सेंटर में से निकाल दो, सेंटर में से आएगा ऐसा आपका जैसा रहेगा शेप, एज में से निकालोगे इलिप्स पर आके आर्च, उन्होंने आर्च देखा था, आर्च क्या था, वन पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, आपको यहां से और यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है ये ऐसा डिस्टेंस है मेरा, ठीक है। फिर आपको आर्च बनाना है, आपका आर्च ऐसा है, आपका आर्च ऐसा है, आपका आर्च ऐसा है, डिपेंड आप लोगों ने आपके इसमें पढ़े रहेंगे ना ड्राफ्टिंग में, आर्च ऐसे ड्रॉ करना है सब देखा कंस्ट्रक्शन में, डिपेंड आपका आर्च कैसा रहेगा। अभी आप बोलोगे ये तो नॉर्मल आर्च हो गए, समझो मेरा ये टेंपल मेरे थे आर्चेस, या फिर फोर्ट में देखो, या फिर जो बड़े बड़े पैलेसेस है सीएसटी में है उनके आर्चेस देखो अलग है, जैसे कोर कोर में है वो, है ना, तो वो कैसे बनाएंगे, आपके पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए उसका, एक तो ऑटोकैड रेफरेंस या कोई इमेज या कोई ये, अगर आपका विजन पॉइंट अच्छा है तो आप बना सकते हो, मुझे यहाँ पे रेफरेंस की जरूरत होगी, लेकिन शेप जो भी रहेगा आप जो भी ड्रॉ करोगे और इसको फिर ये तो इसी को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, आज पॉइंट समझो कम है, आर्च में बीच में भूल गया, आर्च में क्या है रेडियस और टू फ्रॉम, जैसे हम लोग ने ज्योमेट्री में ये पढ़ा था सिलेंडर ट्यूब, उसमें ऑप्शन था स्लाइस करके, तो स्लाइस में कैसा था टू और फ्रॉम से हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते थे, इसे ये शेप बनेगा, ये सर्कल बन गया अभी मेरा, और ये फ्रॉम वाला है, ठीक है। ये मैं बोल रहा था आपको, आप ऐसा बना सकते हो, ऐसा हैक है और इसके कहो कॉपी बना दिया हमने, सुनियो ये मैंने इस लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया, ये थोड़ा ऐसा रोटेट ऐसा, फिर इसका अपोजिट साइड बराबर, तो फिर आप ऐसा एक आर्च बनाओगे, ये अपना फोर्ट वाला या पैलेस वाला आर्च एकदम अलग रहता है, वो सब बीच में बड़ा रहता है, फिर छोटे 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 ऐसा, तो आपको वो एक रेफरेंस या ऑटोकैड में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑटोकैड में आप रेफरेंस ही लोगे, कोई इमेज लेके उसी का ट्रेस करके आप उसका स्केलिंग करोगे, राइट, ओके समझा इतना, ये बाकी का सब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कवर करेंगे। लाइन थोड़ा टॉपिक बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, इसलिए टाइम ज़्यादा स्पेंड इसके अंदर होता है ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखोगे बहुत बहुत सारे आर्टिस्ट अपने इंडियन आर्टिस्ट बहुत ये यूज़ करते हैं और पॉली यूज़ करते हैं, पॉली तो ओवरऑल वर्ल्ड में से पॉली चल रहा है, बट कुछ एरिया में ऐसे स्प्लाइन यूज़ होता है, स्प्लाइन मॉडलिंग अभी भी करते हैं हम लोग, स्प्लाइन यूज़ करेंगे, स्प्लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है,
एक स्प्लाइन से आपको दिखाता हूँ। मैं समझो एक ये बनाया है रेक्टेंगुलर, ये आपकी वॉल है। हम लोगों ने बुलियन पढ़ा था याद है, इसको बुलियन दिखा रहे हैं। अच्छा अब विदाउट बुलियन, मैं बुलियन का इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। देखो क्या है, कोई भी शेप रहेगा, रेक्टेंगुलर सर्कुलर आर्च है आपका जो भी रहेगा। देखो ये एक रेक्टेंगुलर है और ये एक रेक्टेंगुलर है, आपके कितने भी रेक्टेंगुलर रहने दो, ये एक है। इसके अंदर आप बुलियन प्रो बुलियन सब कर सकते हो। बुलियन में एक ही ऑब्जेक्ट था, प्रो बुलियन में मल्टीपल ऑब्जेक्ट थे। इसी का आप बहुत सारे कॉपी करके रखोगे तो भी चलेगा। देखो ये एक है मेरे पास और ये एक है, ऑप्शन तो एक ही है, इसमें ऑप्शन एक ही है, आपको एक ही करने का है। उसमें क्या था, बुलियन भी था प्रो बुलियन भी था, प्रो बुलियन से मल्टीपल होते हैं, बुलियन से एक ही होता है। ये शेप को मैंने और एक कॉपी किया तो मुझे प्रो बुलियन करना पड़ता था, और ये वो एक ही है तो मेरे को बुलियन करना पड़ता है। कंफ्यूज नहीं ना अभी भी, राइट क्लिक, सॉरी ये रेक्टेंगुलर है, इसको राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, यहाँ से भी करो कन्वर्ट टू स्प्लाइन, राइट क्लिक अटैच, ये वाला एक है और ये वाला एक है, दोनों का अटैच कर दिया मैं। ठीक है, शेप को एक बार चेक करते हैं, टॉप में ऐसा है, फ्रंट में देखोगे तो क्या दिखता है, दोनों सब लोग एक लाइन में है क्या, एक लाइन में ऊपर से देख रहे तो फ्रंट से अपने को ऐसा दिखता है। मैंने गलती से टॉप में ड्रॉ किया था, ये आपको फ्रंट में से, आप फ्रंट में ड्रॉ करो। अभी इसका टॉप देखेंगे तो मेरे को फ्रंट में जाना पड़ेगा, बराबर है, कोई आगे पीछे नहीं है, सब एक लाइन में है ऊपर से। ओके, इसके ऊपर हम लोगों ने कमांड देखा था एक्सट्रूड वाला, ई यहाँ पे क्या करने का, ये वाला लिस्ट है ना, मॉडिफायर लिस्ट, ये अपने को पढ़ने का आगे नेक्स्ट, और यहाँ पे एक्सट्रूड करके कमांड आता है, वो मैंने डाल दिया। और इसके अंदर अमाउंट में एक समथिंग आपका जो भी डिस्टेंस रहेगा 150 डिस्टेंस में डाल देता हूँ, चाहिए तो ये बहुत बड़ा है, स्केलिंग से थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको, बराबर है, हो गया बोलिंग। दो शेप को मैंने एक दूसरे से अटैच कर दिया तो मेरा बुलियन बन जाता है ऐसा। अभी ये ऑप्शन अपने को क्यों यूज करने का, समझो मेरा ये शेप है ना, क्लाइंट मेरे को बोलता है नहीं नहीं ये थोड़ा ना ये ना ये थोड़ा बड़ा दो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर जाऊंगा वर्टेक्स, सबको पहले कॉर्नर करके लेते चेंज ना हो जाए, ये मेरे को बड़ा चाहिए ऐसा और ये मेरे को ऐसा चाहिए। दो मिनट का काम था खाली। बुलियन में क्या करना पड़ता है, अपने को वो ऑब्जेक्ट निकालो, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो, फिर वापस बुलियन करो, वो थोड़ा मगजमारी वाला काम। बट बुलियन ऐसा भी नहीं कि बुलियन काम नहीं आएगा, बुलियन काम आएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने रहते हैं ना, तभी बुलियन के सिवाय आपको कुछ ऑप्शन ही नहीं है। कल एक मैं डिजाइन बना रहा हूँ, डायमंड शेप रहता है ना अपना सा, वो वैसे मिरर से ऐसे लाइन में सब मिरर 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 में, और वो मिरर एक आर्च के अंदर बैठा है, डबल आर्च है, दो ऐसे तीन ऐसे आर्च है और एक बड़ा आर्च है, समझा शेप कैसे, ऐसा आर्च है, इसके अंदर वो मिरर चिपकाने वाले हैं, उन लोग छोटे छोटे पीसेस बना के मिरर चिपकाने का। तो वैसे टाइम पे मेरे को बुलियन के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं, वो मिरर को मैं काटे कैसे काटू उस शेप में, समझे, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा शेप है वो डायमंड जैसा शेप है, वो से वो मिरर काट काट के चिपकाने वाले कौन से, अपने को 3D में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा मिरर बनाऊंगा, इसके कॉपी 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 सब कॉपी करूंगा, और अभी उसको आर्च में बिठाने का है तो कैसे बनेगा वो, तो मेरे को बुलियन के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे बुलियन ही करना पड़ेगा वो टाइम। लगभग कुछ ऐसा शेप था, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है ऐसा, ये ऐसा एक बड़ा आर्च है और इसके अंदर से छोटे आर्च है ऐसा। मैं अभी ऐसे बना रहा हूँ आपको समझने के लिए, ये जो एरिया ना, ये वाला एरिया, इसके अंदर वो मिरर बैठ रहा है, ये भी काटने का है, ये भी शेप में काटने का है। बोले ठीक है चलो ये शेप में नहीं काटेंगे, पर ये शेप में तो काटना पड़ेगा, तो वैसा वो छोटा स्क्वायर ऐसा ये बनाया हुआ मेरा शेप, ये ऐसा मिरर, ये बनाए हुए मिरर्स, इसका कॉपी कॉपी मिरर्स है सब छोटे 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 छोटे, बुलियन की कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। ये छोटे मोटे शेप रहेंगे तो आपको ये आएगा था, वो उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, उसमें बुलियन डालना पड़ेगा। ओके, बुलियन का इसको डाउट है वो कवर करते, देखो क्या आता है बुलियन।
ये मैंने एक वॉल बनाई थी ऐसे, आपको जो भी आपका शेप रहेगा उसके ऊपर मैंने सिलेंडर लिया था, या फिर आपको बॉक्स चाहिए बॉक्स ले दो, कोई अलग शेप है, ट्रायंगलर शेप है, कोई भी रहेगा आपका वो ले लो। ठीक है, आपका जो भी जिसके ऊपर आपको ऑपरेशन करना है, जिसका होलो दिखाना है आपको, जो ऑब्जेक्ट को वो सिलेक्ट करो, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, बुलियन, ऐड ऑब्जेक्ट्स, तेरे को 18 में पिक ऑपरेटेड बी ऐसे ऑप्शन दिखा रहेगा, बराबर है? ऐड दिखा रहा है 18 में, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ऐड। फिर आपको क्या करने का है इसका ऑपरेशन में, आपका क्या करने का है, सब्ट्रैक्शन करना है तो वो होलो देखेगा, उतना ही शेप, ये ओवरऑल में से मेरे को उतना ही शेप चाहिए था। अभी ये क्या हुआ, आपको कंफ्यूजन है ये क्या हो रहा है, ऐसा ये ऐसा क्यों दिख रहा है अपने को, क्यों क्या था, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स, ये आपका डिजाइन प्लेन है, ये भी डिजाइन प्लेन है, बराबर, ये आपका समझो ये डिजाइन है, कुछ इसके अंदर कुछ डिजाइन है बना हुआ, समझो एक जाली है ऐसा, जाली समझते हो ना, वैसा जाली है ये, और एक पर्टिकुलर शेप में वो मुझे जाली चाहिए खाली, बस और कुछ नहीं चाहिए, समझो सर्कुलर में मुझे जाली चाहिए। आप जाली को सर्कुलर में कैसे बना सकते हो, 3D में नहीं बना सकते, ऑटोकैड में तो आप बना देंगे कोई शेप लेके उसको काट काट के ट्रिम करके उड़ा दोगे, क्योंकि 2D है, पर मुझे 3D में करने का है। तो मैं क्या करूंगा, वो जाली रखूंगा, ये जाली, ये मैंने जो सर्कुलर बनाया था ये सर्कुलर, मैं इसको बुलियन करूंगा और बोलूंगा सब्ट्रैक्शन नहीं इंटरसेक्शन, तो मुझे ये वाला खाली जाली दिखेगा, समझे समझे, दिखाओ दिखाओ वापस। ओके, मैं ना थोड़ा अभी एडवांस में जा रहा हूँ, आप खाली देखना क्या करो, बुलियन के लिए खाली स्पेशल ये कर रहा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे लगा था आपको ये आएगा ही, बट लास्ट लेक्चर में किसी ने डाउट नहीं पूछा, एडवर्ड का समझ गए, ठीक है। ये शेप है समझो, ये मेरी जाली है, अभी मेरे पास जाली वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये डिजाइन है। अभी आपने को क्या करने का है, एक मैंने समझो यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ कर दिया, इतना सही बॉक्स ड्रॉ किया, मुझे इतना ही चाहिए उसमें से, ओके इसका डेप्थ थोड़ा ज्यादा लेते हैं चाहिए तो। ओके, अभी क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो मैंने नाम लिखा है, आपका नाम लिखो, आप कोई भी करो, मैं आपको एज अ जाली बता रहा हूँ, ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स बुलियन, और इसको बोलता हूँ ऐड, ये बॉक्स को ऐड कर, अगर मैं इसको बोलूंगा कि तू मेरे को सब्ट्रैक्ट करके दे, तो ये टेक्स्ट में से इतना पोर्शन कट होएगा, देखना है देखो, बराबर। अभी मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, आप इंटरसेक्शन करो तो क्या होएगा, बाकी का हट जाएगा, जितना टेक्स्ट का जो अंदर का एरिया था ना वो रहेगा, देखा रेक्टेंगुलर शेप में उतना सा टेक्स्ट मेरे पास है, बराबर बराबर है, समझा मैं तुला तुला तू डाउट विचारला, समजलं तुला मी काय करतो, तू तिकडे स्वतः बसली, इकडे बघ ना जरा, ठीक है, समजा सब समजलं बा तुला। ओके, नेक्स्ट लेक्चर बाकी के जो भी स्प्लाइन टॉपिक्स है अपने पास वो मैं कवर करूंगा, ओके, उसके बाद हम लोग को मॉडिफाइड लिस्ट जो मैं अभी यहाँ से ड्रॉ कर रहा था ये सब, इसके अंदर जो भी कुछ टॉपिक्स है अपने अपने रिलेटेड वो लेंगे, फिर हम लोग ऑटो करके ड्राइंग के ऊपर काम कर, डोर विंडोज वगैरह वो मेरे को लेने का है, बट मेरे को लगता है कि वो हम लोग लास्ट में लेंगे ये सब, ये तो आपको कुछ काम के नहीं है,
स्टेयरकेस वगैरह थोड़ा बहुत काम आएगा, बट डोर विंडोज जो भी है वो आपको नहीं लगता मुझे, अगर यूज करेंगे गीजर भी, डिपेंड है आपके ऊपर, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं उसको मैं पीछे डाल रहा हूँ। बाद में मुझे याद दिलाना ये लेने का है टॉपिक्स, ये टॉपिक्स ही आपके पोर्शन में है, तो ये बाद में कवर करेंगे, मेन टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? ओके।